नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज जो वीडियो लेके आया हूं ना, एकदम मस्त वीडियो लेके आया हूं। देखिए क्या है कि हमारे पास जो है कुछ डेटा है। क्या है डेटा? यहां पे जो है कुछ नेम है लिखा हुआ, ठीक है। और ये नेम किस तरह से लिखा हुआ देखें, यहां से एक रो में एक एक नेम लिखा हुआ, ठीक है। और ये सारा नेम को मुझे क्या करना है, इस तरह से लिखना है, मतलब कि एक एक यहाँ पे क्या है, एक रो में और ये रो में, मतलब सभी रो में, ठीक है। तो मतलब हर एक रो का जो है नेम को एक ही रो में करना है, वो भी कोमा लगाने के साथ जो है मुझे एक ही रो में सभी नाम को लिखना है। ये किस तरह से होगा, ऐसा करामत किस तरह से करेंगे एक्सेल के अंदर, वही चीज बताने वाला हूं और डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए क्या होता है, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर आपको भी इस टाइप के नेम को इस टाइप से करना है, एक ही रो में लिखना है मल्टीपल रो के टेक्स्ट को, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। चलिए ये रो को मैंने डिलीट किया, आप देखिए इसको जो है मैं किस तरह से यहां पे एक ही रो में लिखूंगा। सबसे पहला काम क्या है, यहां पे जो मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, कुछ नेम लिखा हुआ, इसके सामने जो है कोमा लगाना है, ठीक है। अगर कोमा के साथ लगाना है तो कोमा लगाएंगे। कोमा किस तरह से लगाएंगे, देखिए यहां पे लिखूंगा इक्वल टू, ठीक है। और ये सेल ले लेता हूं, उसके बाद लिखता हूं एंड फंक्शन, ठीक है। यहां पे लिख दूंगा एंड, ठीक है, एंड लिख दिया। और यहां पे डबल कोट के अंदर जो है कोमा डाल दिया, डबल कोट के अंदर कोमा डाल दिया, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको एंटर प्रेस कर दिया। देखिए क्या हो गया, कोमा आ गया यहां पे। यहां पे मैं फॉर्मेट को इसी का फॉर्मेट कर देता हूं, ओके। अभी देखिए क्या हो गया, यहां पे जो फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, ओके। इतना होने के बाद एंटर किया। अब क्या करता हूं, इसी को आप ड्रैग कर दो, तो देखिए क्या हो गया, सभी सेल में जो है आपका जो नेम है उसी नेम के आगे क्या हो गया, यहां पे कोमा लग चुका है, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या करना, देखिए अभी जब भी आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये क्या है, एक फॉर्मूला बार में आता है, ठीक है। अब मुझे यहां से इसको फॉर्मूला को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, यहां से इसको क्लिक कीजिए, यहां से कॉपी कीजिए इसको, और कॉपी करने के बाद पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, एक फॉर्मूला जो था ये फॉर्मूला हट चुका है, सिर्फ टेक्स्ट जो है यहां पे बचा हुआ है, ओके। अब यह टेक्स्ट बचा हुआ था, अब क्या करना है, इसको, इस टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट है हमारे पास, इसको क्या करना है, मल्टीपल रो में है, अलग अलग रो में है, इसको एक रो में करना था, रो का साइज जो है बढ़ा दीजिए, जितना भी आप साइज बढ़ाओगे ना, उसके बाद ये क्या होगा, आपको जाना है यहाँ पे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे फिल ऑप्शन आता है, और फिल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको जस्टिफाई। क्या ऑप्शन आता है, जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई कर दो। आप इसको जस्ट क्लिक कर दीजिए जस्टिफाई पे, तो देखिए क्या होता है, आपका जितना भी सेल था ना वो सभी कुछ जो है यहाँ पे जो है एक रो में कन्वर्ट हो चुका है मल्टीपल, वो भी कोमा के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को थोड़ा सा और इसको जो है बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको और क्या करता हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ, ओके। सेल का जो विड्थ बड़ा कर दिया, जितना विड्थ रहेगा उतना ही आपको आएगा। तो यहाँ पे बस इसको तीनों का सेलेक्ट किया, फिर से यहाँ से फील्ड में जाना और यहाँ से जस्टिफाई कर देना। देखिए जितना भी आपका स्पेस था ना उसमें जो है ये नेम चला गया। और बढ़ाना है, चलिए इसको और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा साइज करके, ओके। अब देखिए फिर से यहाँ पे फील्ड जस्टिफाई कर दीजिए, आपका रो का जो विड्थ है उस विड्थ के अनुसार जो आपका जो ये कॉलम जो है मल्टीपल रो का जो है डेटा वो सिंगल रो में जो है आ चुका है, ठीक है। तो किस तरह से हमने मल्टीपल रो, एक एक रो को एक ही रो में कन्वर्ट कर दिया, उसके आगे जो कोमा कोमा लगा दिया, ठीक है। तो आपको पता चला किस तरह से किया, पता चला? अगर फिर भी पता नहीं चला होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगर वो भी है तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।